लर्जिश पर्दा इजहार का मतलब क्या है? है ये दीवार, तो दीवार का मतलब क्या है? आके हर बार हुकूमत में जिन्होंने लूटा उनके नजदीक इख्तदार का मतलब क्या है? नहीं याद कब से मगर मैं हूं, जब से मेरे मुल्क में करप्शन है तब से सावन आए सावन जाए, दोस्त वही जो चलो गोजे खिलाए क्योंकि अपनी पहुंच में तो है मूंगफली और रेवड़ी। अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। दुनिया न्यूज़ के देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? सही है जनाब। आज तो बहुत हसीन लग रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप बड़ी दूर से हैं, मेरी बर्फबारी हो रही है। हाँ मरी क्या होता है, मरी गए थे लेकिन मरी जाके इन्होंने काम बढ़ाना, पैसे भी कोई नहीं लगते थे, कमा भी बड़े लेंदे ने। की करदे की उथे जेडी बर्फ हुंदी उहनां दे गोले बना के देंदे ने। सर बड़े बिजनेसमैन आदमी है। अच्छा जी। यस 200 ऊंट नया लेके आए। अल्लाह की कसम सर बेचने के लिए परसों में गया तो सीढ़ी लगाकर ऊंट के पास जा रहे। मैंने कहा क्या करने जा रहे हैं? कहते ऊंट के कान च मैं एक गल करनी। इनू सप लड़ गया तो डॉक्टर को गया, डॉक्टर कहता केड़ा सप लड़िया, तो लूडो कट के कहता जी ऐ वाला। खुले गटर दे कोल ना मोमबत्तियां ला के ना ते रो रहे। मैं कहा की होया? कहिंदा मेरी सालगिरह सी, केक विच डिग पिया। इन्होंने भी फिर नवा नहीं लिया, बिच छाल मार के कट के आए। तो फिर केक का हाल भी तो की हो गया ना। आपके ठाकुर साहब का बहुत ही साल फर्स्ट अप्रैल। सर फर्स्ट अप्रैल है वो लोग आते ही नहीं। वो भी उस दिन झूठ बोलिया, वो कहते इंसान होया, कहते नहीं है तो सुंडी हुई है। और उदास साहब आपकी सालगिरह? मैं नहीं मनाता। नहीं मनाते थे नहीं, मगर आए थे हो ना दुनिया थे। तो मैं सिर मनावा या सालगिरह मनावा? कोई तारीख तो होगी। अकरम साहब की सालगिरह ते बीवी नू मनाना बहुत मुश्किल गल है। अरे यार कोई इनके फैंस जानना चाहते हैं। बिल्कुल। के बताएं कब होती, डेट क्या? बच्चा पैदा होता उन्हें पता होता है कि केड़े दिन में पैदा हुआ। मगर नहीं दे मैं बड़े दस दे मेरे नहीं दस मैं नहीं मनाऊंगा। आप बताएं आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 24 अक्टूबर सर। 24 अक्टूबर है आप? अरे वाह। और आप मोहतरमा? 24th of May। चलो तारीख मिल गई है, जेन भी मिल जाएंगे। नहीं वो ही मिलेंगे। मिल जाएंगे। आपके स्टार ही बड़े दूर दूर हैं। और तेरे तो जेब चपे हैं ना। यहाँ आपके सितारे नहीं मिल रहे तो शायद मेहमानों से मिल जाएं। और इसी बात बुलाते हैं अपने पहले मेहमान को, एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं फिल्मों के, जनाब उस्मान मुख्तार। जैसर भैया साहब, मैं जब सितारे मिलने की बात कर रहा था तो मैं इनका यकीनन रेफरेंस नहीं दे रहा था। हमारी दूसरी मेहमान जो हैं एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल हैं। प्लीज वेलकम मोहतरमा ज़ारा आबिद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज के मेहमान बड़े यंग हैं, लेकिन आज का मेरा शेर जो है वो आपकी तरफ से हमें है जी। वाह वाह वाह। जी सर। रेजा रेजा हुई आंखें तो सरे आयना जार, रेजा रेजा हुई आंखें तो सरे आयना जार, आ गए लोग तेरे अक्स उठाने के लिए, हम भी इस जुगतों भरे मजमे में आज आए हैं। हम भी इस जुगतों भरे मजमे में आज आए हैं, दिले बेताब के हालात सुनाने के लिए। ना आटा ना चीनी मुल दी, ना आटा ना चीनी मुल दी, रीमा सी मेरे पीछे रुल दी। क्यामत दी निशानी है। ना आटा ना चीनी मुल दी, रीमा सी मेरे पीछे रुल दी, अज भी मैनू गल नहीं भुल दी, की सी जे अख ना खुल दी। मेरा शेर तो जी ज़ारा जी के लिए। जी जी। अरे वाह। कि मैं जागता हूँ सारा जहां सोता है। अरे वाह वाह वाह। हर खुश नसीब कभी ना कभी रोता है, जरूरी नहीं हर शहजादी को शहजादा मिले, किसी की किस्मत में जिन भी होता है।
आप लोगों को भी शायरी से लगाव है कोई? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं. आपको नहीं? आपको है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं. आपको भी बिल्कुल भी नहीं है? तो क्या गानों वाली शायरी सुन लेती हैं? कौन सी? वही प्यार मोहब्बत. वही प्यार मोहब्बत, वही जो गानों में नॉर्मल चलता है. जो गानों में नॉर्मल चल रहा है मुझे शायरी. जो हनी सिंह वाली सुनती हैं? नहीं, बादशाह वाली. बादशाह वाली आपको? इन्हें नोए शेर पसंद है जब सजना ने फूल मारया बादशाह दे अब्बे ने फिर मैंने बहुत मारया. ऐसी शायरी सुनती हैं क्या आप? नहीं, ऐसी तो बिल्कुल नहीं सुनती. कौन सी शायरी सुनती हैं जरा मुझे जो आप सुना दे. मैं तो आपको खरी खरी सुना दूंगा. यार आप तो प्यारी इतनी है माशाल्लाह. जोगत के चक्कर में कॉम्प्लीमेंट छोड़ दिया. नहीं नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, मैंने वो ना इतनी प्यारी है, खरी खरी अच्छी बातें. यू हैव बीन ऑन द शो बिफोर? जी जी. आपने शो देखा बजारा? जी, मेरी फैमिली बहुत शौक से देखती है. फैमिली आपकी बहुत शौक से? उसी की थाने होंगे. और फैमिली वालों ने कोई आपको बताया? आपके बारे में बहुत बातें होती हैं. अच्छा, क्या? माशाल्लाह से वो अच्छी बातें करते हैं. अच्छी बातें. मेरे चाचू आपके बहुत बड़े फैन हैं. आपके चाचू इनके फैन हैं ना? आप तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं. अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था आपको शो पे आने से पहले? देख के जाना. देख के बोला था. अच्छा, आपके घर वालों ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा? उस्मान, नहीं जी, कोई वार्निंग वगैरह नहीं दी है. कोई वार्निंग वगैरह? आ चुका हूँ पहले, मैं देखता भी हूँ तो बहुत मजा आता है. और उसके बाद घर वालों ने कुछ कहा था जब आप आए थे शो पे लास्ट टाइम? अगर कुछ कहें भी तो अम्मा मेरी बहुत हंसती हैं. उन्होंने इन्हें दसे मैं मजाक रात च जा रहे हैं, कहते जा घर भी तेरी होनी होनी है, इतने भी तेरी होनी है. यार क्या ये बात सही है? घर पे तो ऐसा नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, बहुत अम्मा बहुत गुस्से की बहुत तेज है. अच्छा, तो काफी तो घर पे क्या होती रहती है? काफी, ये काफी काफी ज्यादा. तो अभी भी हो रही है उस्मान? अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए आप. नहीं नहीं, अभी तक. अम्मी जब इतनी चीजों पे आपकी क्लास ले रही होती हैं तो वो कहती हैं कि तुम अभी तक शादी क्यों नहीं करते? हाँ जी, ये तो अब रोज का कोई एक टॉपिक बन गया है. तो क्या आपने सोचा इस बारे में? इंशाल्लाह देखिए, फिल्में किए जा रहे हैं, शादी भी कर लें. नहीं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे सही वक्त पे. मगर फिर भी यार कुछ तो कोई कोई सोचा होगा, मतलब जिसके साथ आप गुफ्तगू कर सकें. गुफ्तगू कर सकें? अगे सारियां तुहानू गुंगियां लभियां. तो एक रिक्वायरमेंट तो होगी कि गुफ्तगू क्या करना चाहते हैं, फिल्मों पे बात हो सके, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हो सके. जैसा कि किन टॉपिक्स पे? मतलब कोई भी बात हो, मतलब करंट अफेयर्स हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन वो इतना हो कि वो मतलब यू वांट अ थिंकिंग माइंड. हाँ, मतलब स्मार्ट वुमन. स्मार्ट वुमन हो जो कि गुफ्तगू कर सके मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर. चलो ये तो एक हो गया ना, और क्या? मतलब थोड़ी मुझे बता. मतलब फनी हो, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो. हाँ, साड़ी पा गया, साड़ी पा गया, फनी. दो ट्रेड समय पता चल गए, एक ये कि मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो सके उनसे और गुफ्तगू हो सके, और दूसरा ये कि वो फनी हो. बिल्कुल, ये दो बड़ी, क्योंकि जिंदगी साथ गुजारनी है तो मतलब. तो किस, क्या फनी का कोई आपके पास क्राइटेरिया है कितनी फनी हो? आटा गोंदी गोंदी उल्टबाजी ला रही. सेंस ऑफ ह्यूमर हो उनके अंदर और गुफ्तगू भी आप कर सके. ये दो चीजें हैं आंटी जो बेसिकली उस्मान को चाहिए हैं, और आप इनको मद्देनजर रखें जब भी आप कोई बहू ढूंढ रही हो. एक के वो गुफ्तगू बहुत बातूनी किस्म की हो और होपफुली डिफरेंट टॉपिक्स पे गुफ्तगू कर सकें, और दूसरा ये कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर उनका टेस्ट कर लें कि वो अगर चलता है तो फिर अच्छी बात है. ठीक है जी, सेंस ऑफ ह्यूमर तो ठीक है. बीवी जेडी भी है, गुफ्तगू तो उन्हें करनी करनी है ना जी. अच्छा, बीवी तो सुती पे भी कहती रहती है जल्दी काम तो आ जाना. यह जे मुंडे ने ब्याह तो बाद अपने बुवे अगे रोन डे होंदे, पूछना की होया, बुवा नहीं खोलन डई. यार तो जारा आप मैरिड हैं? नहीं. गुफ्तगू करने का शौक है आपको? बिल्कुल है. अच्छा, मल्टीपल टॉपिक्स पे, यू नो, फैशन के अलावा भी बात होनी चाहिए. फैशन के अलावा जिंदगी के बारे में इंसान बात करे. हाँ, जिंदगी के बारे में, जरूरी जिंदगी के बारे में बात करे. अच्छा, और फिल्में देखती हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज्यादा. तो कौन सी टाइप की फिल्में पसंद है आप? हैपनिंग, लाइक के कुछ स्टोरी हो उसमें. स्टोरी हो, हैपनिंग, इवेंट्स हो रहे हो. नहीं, स्टोरी यही है ना कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे कहानी गई, फिर तीसरे इवेंट पे कहानी गई, है ना? इस किस्म का एक्साइटिंग फिल्म होनी चाहिए, थ्रिलर. यस, ठीक है. जैसे जवानी फिर नहीं आनी 2 थी. वो जवानी फिर नहीं आनी 2 अगर आपको लग रही थी तो फिर ठीक है. पर्ची देखी आपने? जी देखी. देखी, कैसी लगी आपको? इतनी अच्छी नहीं लगी. इतनी अच्छी नहीं लगी? क्यों? नहीं, वो नहीं है मुझे. मगर आपको बेसिकली जवानी फिर नहीं आनी 2 टाइप के अच्छी लगनी थी. थोड़ी ओवर, थोड़ी सी कॉमेडी, मजा कॉमेडी, जिसमें मजा आए, देखने में मजा आए. आपको भी सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी पसंद है ना? यस. हाँ, दो जी दो. अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
तो गुफ्तगू भी करना पसंद है उस्मान इनको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे और फिल्में फिर इनको कॉमेडी आपने उन्हें बता ही दिया जवानी फिर नहीं आनी टू पसंद है तो कितना को सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है कमाल आप उसने दादा लगा लें नहीं, नहीं, तो आप की पहले मुलाकात हुई कभी उस्मान से नहीं बिल्कुल सर को यार मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या मतलब दोनों यू नो शोबिज की दुनिया से है तो कोई हो सकता है मुलाकात हो गई हो निकाह खाना पता कर ले ना गल पक्की कर देनी तो आपकी भी कोई है रिक्वायरमेंट्स और वैसे सोचती होंगी कि कैसा लाइफ पार्टनर मुझे घूमने का बहुत शौक है ट्रैवलिंग का अच्छा मेरे साथ ट्रैवल करे मुझे अंडरस्टैंड करे मुझे समझे से ज्यादा और लड़की क्या चाहती होगी वाह वाह यानी कि दो ये तो और बड़ी एक यूनिक चार चीजें हो गई नहीं दो ही आपने बताई एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको अंडरस्टैंड करे और दूसरा उसको ट्रैवलिंग का शौक हो किधर ड्राइवर ना करा लो तो कनेक्टर ही करी जाना और ड्राइविंग करी जाना मगर अच्छा ट्रैवलिंग किधर करना चाहती हैं ट्रैवलिंग लाइक पाकिस्तान के अंदर भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज यस जहां पे पहाड़ हो यस पहाड़ हो आसपास यू नो दरख्त जी पहाड़ हो दरख्त हो सब नहीं तो ये ठीक है यू नो परफेक्ट सेंस के जी आप एक सीनिक व्यू पे जाते हैं पहाड़ों के ऊपर ट्रैवलिंग करना बहुत लोगों को शौक होता है तो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मरगला की जो पहाड़ियाँ आपने देखी है कभी बहुत बार इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद है ना फिर कमाल जगह मुझे हमेशा लगता है इस्लामाबाद रहने के लिए इट्स द बेस्ट प्लेस है ना वेरी पीसफुल चारों ओर पहाड़ों आपके मरगला हिल्स आपको नजर आ रही हो ग्रीनरी बड़ा एक यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीस ओवर देयर है ना तो क्या हाल है इस्लामाबाद के ठीक है आजकल तो बहुत ठंड है आए ठंड दे तो जबरदस्त पहाड़ से पहाड़ पे जाते हैं कभी ट्रैकिंग करने के लिए गए मरगला हिल्स हाँ जी हाइकिंग अरे जाते हैं हाइकिंग करने मरगला हिल्स पहाड़ियों में अच्छा अरे वाह इत्तेफाक हो ही जा रहा है मैं क्या करूं समझ नहीं कुछ नहीं बस उन सिर्फ बाजे वाले रह गए बाकी तो गल सारी पक्की हो गई नहीं तो बिठाए ने मैं पहले जी भर के देखा ना कुछ बात की ना सेल्फी बनाई मुलाकात की दोबारा नहीं उसने शॉपिंग की जिद की मंजर कशी ऐसी हालात की वो कहने लगी डीजे अरसा हुआ है कि चाय नहीं पी तेरे हाथ की जेरे थोड़े बहुत थोड़े को लाए ने वो दे रहे हो लो वाह 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 बाजी तुसी वापसी ते यार वेलकम बैक टू मज़ाक रात ये बताएं उस्मान एक चीज जो मैंने बड़ी यूनिक देखी उस्मान आपके कि आप डीओपी भी थे पर्ची फिल्म में सर मैं अनफॉर्चुनेटली बन गया था डीओपी तो फिर फिल्म इंजन ही बननी सी बड़ा मुश्किल है यार डीओपी बन के आप एक्टिंग कैसे कर रहे थे बड़ा जब आप एक्टिंग करते हो कैमरे में कौन था हमने एक सेकेंड डीपी रखा था जो मैंने सारा उनको लाइटिंग वगैरह करके फिर वो आमिर नाम था उनका आमिर मुगल बहुत टैलेंटेड है और वो आके कैमरा ऑपरेट करते थे और जब मैं सीन के अंदर होता था तो यानी कि फोटोग्राफी का भी आपको शौक है आई बिलीव मुझे इसलिए क्योंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ मतलब डायरेक्शन मुझे ज्यादा पसंद है एक्टिंग से एक इंटरेस्टिंग कि इनको फोटोग्राफी का भी शौक है मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी है अच्छा मेकअप नहीं मॉडल बनने के लिए आई थिंक सबसे पहले आपको अपना टाइम पे जाना यस क्योंकि पंक्चुअल होना चाहिए यस पंक्चुअल होना चाहिए आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो सीनियर की रिस्पेक्ट करें ठीक है ये तो बड़ी बेसिक्स हो गई अब अगर मैं टाइम पे पहुंच गया हूं स्टूडियो और मैं सामने वाले फोटोग्राफर को भाईजान कह रहा हूं तो क्या मेरी तस्वीरें खींच देगा तो सब टाइम पे पहुंचेंगे ना मतलब कोई और चीजें भी होंगी ना रिक्वायरमेंट्स फर्ज करे कोई लड़का मॉडल बनना चाहता है वो क्या करे क्या होनी चाहिए उसमें क्वालिटी तो अपनी पहले ग्रूमिंग करनी चाहिए बिकॉज ग्रूमिंग बहुत जरूरी है ग्रूमिंग से मुराद प्लीज एलैबोरेट करें ग्रूमिंग को लाइक आपको अपने स्किन का अपने बालों का अपने बॉडी का लेवी तू तो नहीं बन सकता जरा मुझे पता है मैं बन सकता हूं मॉडल ऐ दे बने बनाए हैं ना बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए क्यों चले आप उनका ना बताएं उनका इनके लिए आसान है बताना ना आसान नहीं है मॉडल बनना बहुत मुश्किल काम है एड्डा भी मुश्किल काम नहीं है यकीन करो पंप दी इन्होंने मशहूरी की थी यकीन करो केड़े पंप दी असि गरीब लोग सानू पता है पंप मोटर की हुंदी मुझे क्यों नहीं पता होगा तुसी अमीर आदमी अल्लाह दे मेरे बिल्कुल क्या बात है अमीर भी होना ही हो जाए तुसी अल्लाह माफ करे बिल्कुल पहले सानू तुहाडा पता अच्छा हां जी तुहाडे घर जदों गोश्त पकड़ा हुंदा सी ना तीन दिन पहले ढोलकी बजदी सी
Good, how are you? You know, I am very happy today. How come? I have an idea. If you reach me, we're going to be rich very soon. What idea? You know, the Pakistani people, 89% people like to talk in English. But angrezi te nanu andi ni. Te assi tuition center banane ya. Ode vich politicians nu vi sikhavange, actors nu vi sikhavange, te aam public nu vi sikhavange. But sikhayega kaun? Main khud hi class lavanga na. तुम अंग्रेजी की क्लास लोगे yes. और वो जो इंग्लिश तुम्हें आती है वो तुम दूसरों को सिखाना चाहते हो सारे नु सिखावांगे ताकि फ्लुएंट अंग्रेजी बोलन ठीक ते ओदे विच पॉलिटिशियन भी होंगे लम्मी फीस रखांगे वाह वाह जगह मैं लब ली अच्छा ओनु मैं पहले महीने दा किराया भी दे आया क्या बात है बस एडवांस देना है 60,000 बहुत अच्छे जी थोड़ी जी तुसी मेरी मदद कर दियो मेरे को ना जी 300 रुपया है आई कांट मेरी रोटी रोजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें रोटी रोजी खिला दूंगा मैं पैसे नहीं दे रहा नहीं तो जिन्ने तू पैसे मांग रहे है ना मेरे सामने तो भूखा ही रहना यू नो जगह बड़ी अच्छी है इधर दिस इज अ बिग चांस ते अंग्रेजी सिखानी तू सारे नु यस मैं जेडी तू अंग्रेजी सिखानी है ना पाकिस्तान नु सारी अंग्रेजी मीरा ली है तेरी मीरा नहीं साडे कोल परन आएगी 60,000 रुपया पर वीक लवांगे ओदे कोलो अमीर हो जावांगे तुहाडे मुंह ते खुशहाली आ जाएगी मेरे पास तो पैसे नहीं है कुड यू प्लीज हेल्प मी थोड़ा जा मैनु कोई दे दियो मैं आगो कोई खिच तिरू कर लगा यार आई डोंट उनसे पूछ लो शायद उनके पास हो हाय लाइबा हिबा कुड यू प्लीज हेल्प मी तानू मैं उठे प्रिंसिपल रख लांगा प्रिंसिपल यस मेरे पास तानू भी मैं उठे चौकीदार रख लांगा चल ठीक है फिर ताले दे पैसे ले ला पहले देनी क्लोज यस प्लीज यार आई डोंट हैव एनी मनी क्या जाऊं आएगा आई मिलना बड़े अच्छे होंगे ਐ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਰਾ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹਾਂ ਯੈਸ ਲੈਟ ਮੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਯੂ ਅ ਵਨ ਸੌਂਗ ਬੇਬੀ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਅ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਐਵਰੀ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗ ਗੋਨਾ ਬੀ ਆਲ ਰਾਈਟ ਕੁਝ ਪਾਓ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂ نو ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ My mom belong to the Virginia and my papa from Chichavatani. yes. नहीं निकल रहा. No nothing. Well, मैं दे देता हूँ. पहले थोड़े बहुत तो तोड़े को लाया ने वो दे रहे हो बस. Yeah. Lo. वाह वाह. वाह वाह वाह. बाजी किसी बाप सीखते. यार. उन्होंने कार नहीं जाना. उनके पास गाड़ी है. ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸ ਪਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਈ ਨੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮਾਡਲ ਯਾ ਆ ਯੈਸ ਬਟ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਪੈਡਲ ਜਾਣ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾੜੀ ਵਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਵਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਵਰੀ ਬਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੈ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨੂਸ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ ਕੇਕ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਖੈਰ ਤੱਕ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਹ ਸੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈ ਮੁੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਚੌਕਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਹੈਂ ਮੈਂ ਹਾਂ 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 ਯੈਸ
back to Mazaakra. Zara, sirf modeling pe focus kar rahi hain ya would you like to act aur aap bahut si models acting bhi karti hain? Ji bilkul. Abhi meri movie ki shooting start hai. Are movie bhi kar rahi hain? Yes. Are wah wah wah. Kiski movie? Kaun si movie? Shaadi wali. Chalo. Oh, shaadi wali movie nahi hai bhai. Acha are unka koi mood nahi hai abhi. Wo keh rahi hain unhone bas bata diya hai wo dhoond rahi hain. Acha. Haan. Nahi main dhoond bhi nahi rahi hu abhi main interested nahi hu shaadi. Interested hi nahi hai wo. नहीं अल्लाह को प्यारा होना चाहिए यार, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तुम क्यों माइंड कर जाते हो? मैं प्यारा हूँ, मुझे नहीं पता ना वो बेचारी वो क्या प्यारा उनका क्या है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। बताएं मुझे, बताएं आपको क्या बताऊँ, बस जो मेरी पसंद है मैं उसी के साथ करूंगी ना। इधर मतलब ना ही समझिए जी, मैं इज्जत से आपको निकालना चाह रहा था इस मामले से, मगर आपको रास ना आई तो आप बताए की एक्टिंग कर रही है आप? जी बिल्कुल, हमारे चौधरी असलम जो थे, जी जी बिल्कुल, उनके ऊपर ये मूवी बन रही है। अच्छा, और कौन बना रहे हैं? कौन है? फर्स्ट टाइम अजीम सज्जाद, अजीम सज्जाद जी। So, अभी शूटिंग स्टार्ट है उनकी, ऑन एंड ऑफ चल रही है। तो आप एक्शन कर रही हैं, देखती हैं आप कॉमेडी फिल्में हैं? क्योंकि उसका रोल ऐसा है जो आई थिंक सिर्फ मुझसे रिलेटेड है। ओके, और इसके बाद भी आप करना चाहेंगी एक ही फिल्म? बिल्कुल, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ही करना चाहूंगी। मैं भी यही सोचता हूं कि मैं लोड वेडिंग करूंगा, क्यों बढ़िया करूंगा। आपने लोड वेडिंग देखी? नहीं, देखती भी है पाकिस्तानी फिल्में? जो मुझे अच्छी लगे वो। नहीं आपको जो देखने तो बाद पता लगता है, पहले पता था। वो तो देखने के बाद पता चलेगा। पाकिस्तान के अलावा इंडियन मूवीज देख लेती हूँ। इंडियन मूवीज देखती हैं? Yes. तो कौन पसंद है इंडिया में? शाहरुख खान। शाहरुख खान, वाह वाह वाह। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फवाद खान। जिन एक्टर्स की शक्ल फवाद खान वाली नहीं है वो क्या करें? सबर करें। टीवी ड्रामे देखती है? सीरियल करने का शौक है। कौन पसंद है टीवी ड्रामे? तो फवाद खान करती नहीं है। सबा कमर वहां पे निकली, और कोई मर्द हजरात में कोई नहीं? ले हंसी जा रहा है, आप लोग की बातों में बहुत हंसी आती है। सारी जिंदगी हंसते रहेंगे, मान जाओ। बड़े स्पेशल फोन। अरे क्या जरदारी साहब? नहीं नहीं नहीं, नवाज शरीफ साहब? नहीं नहीं नहीं, इमरान खान साहब? नो नेवर नथिंग। अरे आज तो फिर कौन सा फोन आ गया? वो सर चीफ जस्टिस साहब मोहतरम जनाब साकिब अंसार साहब की कॉल आ गई है। कॉल ही आ गई? सारी रात में लत्तां कंबदियां रही ने। मैंने कहा फौरन आ। अच्छा, मैं फटाफट अपने कपड़े इस्त्री किए। हाँ। तीन बारी मैं एक शर्ट इस्त्री की थी। मेरी बीवी कहे मुझे दो मैं कर देती हूँ। मैं कहना ना 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 ना, ऐसे दिन वास्ते मैं इस्त्री सीखी सी। शर्ट इस्त्री की, टैट की, पहुंचिया। हाँ। जाके धड़कते दिल से और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। उसमें से एक आवाज आई, ची। लो जी, मेरी जिंदगी दी हॉरर तरीन आवाज। हॉरर तरीन आवाज यानी जिंदगी मैंने वो ची बोल नहीं सकती। ठीक है, एंटर हुए थे सामने बैठे रिलैक्सिंग कुर्सी के उत्ते बैठे। ओके, मैं करके सलूट किया। हाँ। तल्लू तू लैके तो उत्ते तक वेख्या ने। हाँ। मैंने कहते मियां अफजल निर्गोली। हाँ। तुम्हारा तो बड़ा फैन क्लब है। हाँ। तुम तो सेलिब्रिटी होती जा रही हो। होती जा? मैं कह सर होती नहीं होता। हाँ। हल्का जब मुस्कुराए ने। अच्छा। लेकिन पता नहीं मैं लगन देता। ओहो। भी मैं मुस्कुराया। मैंने कहते नहीं भाई तुम मजाक रात में जाते हो। हाँ। मैं सर मैं नहीं जाता, वो खुद बुलाते हैं, मैं तो 8 बजे सो जाता हूँ। झूठे, मैंने चलाकी की थी ना। अच्छा। हाँ, मैंने कहने नहीं कि भाई डैम के लिए तुमने क्या किया। ओए ओए, एडी शर्मिंदगी हुई। मैं कह सर मैंने काफी जगह गुफ्तगू की। मैंने कहा गुफ्तगू नहीं, इस बात को सीरियस लेना है, डैम हमारा कौमी फरीजा है। उठ के खलो गए ना, कहीं जा कहीं तो डैम हमारा कौमी फरीजा है, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए तोहफा है। इस बात को इतना सीरियस लेना है जितने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सीरियस लेते हो। ओ मेरा दिल कदी तल्ले, दिल कदी उत्ते, दिल कदी तल्ले, कंबी जावा। आई कैन इमेजिन। लेकिन सर मैं वेख्या कि उन्हें चेहरे के उत्ते जाज़बियत बड़ी सी। यार लोग एवं उन्हें को डरते ने। अच्छा। मैं उन्होंने क्या क्या, मैं क्या सर आप तो बड़े नफीस आदमी हैं। हाँ। लोग आपसे क्यों डरते हैं? हाँ। मैंने कहने तुम्हारी शक्ल तो सीरियस है। हाँ। लोग तुम्हें देख के क्यों हंसते हैं? यार
ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਡੈਮ ਫੰਡ ਮੇਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਓ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ IMF ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ IMF ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਸੱਸ ਮੇਰੀ IMF ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਸ 500 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਾਸ ਖਤਮ ਨਾ 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 ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਕਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਹੈ ਮੈਂ ਯੈਸ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਆਪਣਾ ਐਮ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ 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 ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਓ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਗਾਇ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਰਚੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ ਥੀ ਸੁੱਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਹਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀ ਫਨਕਾਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਅਭੀ ਸਾਥ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਰਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬਾ ਯੈਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੰਦ ਇਹ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਮੈਡਮ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਨੇ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਤੇ ਹਨ आप टाइटैनिक पे जाने लगी हैं दो VIP पास आपके पास हैं एक आपका अपना दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं वो दूसरे पास पर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस जो आपके पास हैं कायम अली शाह और राणा सनाउल्ला कायम अली शाह कोई खास वजह बुजुर्गों का दवावा देंदा जाएगा वेलकम बैक टू मज़ाक रात जी अजीब और गरीब क्या है जी खबर रोम से है जहाँ के एक रेस्टोरेंट ने काफी अनोखी डिश मुतारिफ कराई है जिसका नाम फ्राइड एयर है क्योंकि इसका एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट ताज़ा हवा है लेकिन इसमें सिर्फ हवा ही नहीं होती क्योंकि इसमें सबसे पहले सूजी को अच्छी तरह से फ्राई किया जाता है और फिर फ्राई करने के बाद इसे किसी खुली जगह पर रख दिया जाता है ताकि इसमें ताज़ा हवा शामिल हो जाए और फिर इसको कैंडीज के साथ सर्व किया जाता है और इस डिश की कीमत तकरीबन $30 है वासे भाई बड़ी बात है अगर किसी से पूछा जाए कि भाई क्या खा के आए हो आगे से वो कहे फ्राइड एयर यानी तली हुई हवा और एक खान दी ठाकुर साहब शर्त भी वो क्या छाते बह के खानी है अकरम साहब तुसी 3-4 प्लेटा खाओ क्यों साइंसदान ने दसिया है खान दे नाल वाल भी आ जांदे ने और साइंसदान झूठ बोलदे मैं 6 प्लेटा खादियां तां ही ते उड्डे ने ये हमारा 2020 का सेगमेंट है जिसके अंदर आपसे सवाल पूछूंगा साथ में ऑप्शंस दूंगा आपको उनमें से अपने जवाब चूज करने होंगे कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या सवाल नहीं आप आंसर करना चाहते तो आप एज एन ऑल्टरनेट हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पिक कर सकते हैं दैट इज अप टू यू सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर हियर और देयर तो पहले कौन आप में से खेलना चाहेगा वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो उस्मान साहब ये बताइए एज अ डायरेक्टर इनमें से किसके साथ 1 साल के अंदर काम करना चाहेंगे किसके साथ 2 साल के अंदर और किन के साथ काम ना भी करें तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास जो नाम है वो हैं महविश हयात मायरा खान और सबा कमर तो किसके साथ 1 साल में काम करना चाहेंगे एज अ डायरेक्टर महविश हयात महविश हयात 2 साल के अंदर कौन मायरा खान तीसरा नाम किसका सबा कमर 1 साल के अंदर महविश हयात 2 साल के अंदर मायरा खान और जिनके साथ काम ना भी करें फर्क नहीं पड़ रहा वो हैं सबा कमर सर ये बताइए एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में 4 सीटें हैं बाकी किस किस को अपने साथ बिठाना चाहेंगे अपनी गाड़ी के अंदर और अवार्ड शो पे लेके जाएंगे जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं अली जफर हमजा अबासी फवाद खान फहद मुस्तफ़ा और शान हमजा एक फवाद दो
और अली जफर तीन, फहद मुस्तफा और शान बचे हैं और सीट एक है। फहद मुस्तफा, फहद मुस्तफा, शान साहब आपको गाड़ी में नहीं बैठा रही है अभी फिलहाल। उस्मान भाई बोल नहीं लेता, ICU जो गल कर रहे हैं। देखिए टीका ना लगाए, बहुत मसला बन जाएगा, आगे मुझे सांस नहीं आ रहा। सर इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं नुमान एजाज, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? फैसल कुरैशी। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? हुमायूं सईद। और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? तीसरी ऑप्शन क्या थी? नुमान एजाज। नहीं ना। हाँ यार नहीं, ये जनरल नॉलेज पे जाऊंगा, ये तीनों जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो। ओए होए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब किया गया था? 1948। चले मान लेते हैं 1948 है, ठीक है। तो ये बताएं इनमें से किसके साथ लीगी सेल्फी सोशल मीडिया पे लगाएंगे, किसके साथ लीगी सेल्फी को अपने फोन की गैलरी में रख लेंगे, और किसके साथ लीगी सेल्फी को आप डिलीट ही कर देंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हानिया आमिर, हरीम फारूक और सुहाया अली अबड़ो। सोशल मीडिया पे किसकी लगा रहे हैं? हानिया। हानिया आमिर के साथ तस्वीर वहां लगेगी। फोन गैलरी में कौन सी होगी? हरीम। हरीम। और डिलीट कौन सी होगी? सुहाया। मैं जानता नहीं हूं। सुहाया अली अबड़ो आपको नहीं जानते तो आपसे लेगी सेल्फी भी डिलीट हो जाएगी। बहुत सारी तालियां उस्मान के लिए। जी मैडम, किनके साथ एक साल में काम करना चाहिए, किसके साथ दो साल में, और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ऑप्शंस आपके पास हैं हसन शेरयार, नोमी अंसारी और खाड़ी। तो किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगी? खाड़ी। किसके साथ दो साल में काम करना चाहेंगी? हसन शेरयार। किसके साथ काम ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता? क्या था थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन का नाम भी आपको याद नहीं है? नोमी अंसारी। फर्क नहीं पड़ता। नोमी अंसारी साहब आपके साथ काम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जा रही हैं फिर एक अवार्ड शो पे, गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं हम। गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रही हैं, चार सीटें हैं बाकी। कौन होंगी वो चार जो कि आपके साथ जाएंगी अवार्ड शो के ऊपर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर, माहिरा खान, मावरा हुसैन और सजल अली। सजल अली, महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। मावरा हुसैन को आपने अपनी गाड़ी से बाहर कर दिया। yes. ठीक है, मावरा हुसैन आप इनकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। एक चेयर लिफ्ट दो पहाड़ों के दरमियान में फंस गई, आप उसके ऊपर है, नीचे खाई है, ऊपर बादलों में चेयर लिफ्ट है, 7-8 घंटे नहीं हिलनी। कौन होगा आपके साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं मुबशर लुकमान और मौलाना फजल रहमान। मौलाना खास वजह क्योंकि दूसरा ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इनको चूज कर लिया। मुबशर लुकमान साहब आप इनको समझ नहीं आए, मौलाना फजल रहमान समझ आ रहे हैं। पुराने जमाने में चलते हैं, आप टाइटैनिक पे जाने लगी हैं, दो VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे पास पर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं कायम अली शाह और राणा सनाउल्ला। कायम अली शाह। कोई खास वजह? बुजुर्गों का दवावा देंदा जाएगा। बहुत सारी तालियां जारा के लिए। Usman, thank you so much for being on the show. Thank you. Aapko bahut shukriya Zara, and best of luck to both of you. Thank you. I hope you guys have a great future.